एक चैलेंजिंग डिपार्टमेंट दिया है और एक ऐसा डिपार्टमेंट दिया है जिसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारे सबके लिए शिक्षा बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है और इसी सोच के साथ हमारी यूपीए चेयरपर्सन जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर अनिवार्य शिक्षा कानून पास किया था। मैं समझता हूँ इस विभाग में जो 5 साल में जिस प्रकार राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर जो काम किए गए हैं उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और जिस प्रकार एक बैकडोर से आरएसएस इस विभाग को चला रहा था, इसलिए जो कुछ भी इसमें खामियां रही हैं, कमियां रही हैं, जो कमियां की गई हैं जानबूझ के, उसको समीक्षा करेंगे और लोगों में एक नया उत्साह है कि कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र हमने जो दिया है उसके ऊपर हम काम करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग भी अपेक्षित होगा। आपने आरएसएस की बात की तो आपका इशारा पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव को लेकर है, तो कोई नई नीति सरकार की देखने को मिलेगी इस दिशा में? देखिए, सब चीज समीक्षा करने के उपरांत, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के उपरांत जो भी अच्छा होगा इस डिपार्टमेंट में वो अच्छा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि गरीब को अच्छी शिक्षा मिले और सब लोग शिक्षित होकर के और आगे अपने भविष्य का निर्माण करें। तो मैं समझता हूँ इसमें जो भी होगा वो समीक्षा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर किया जाएगा। देखिए गोविंद जी, चुनौती ये भी है कि तबादलों को लेकर हर बार चाहे मंत्री कोई भी हो विवादों के घेरे में रहता है, उससे बचने के लिए भी आपको कोई रोडमैप ऐसा बनाना होगा कि परेशानी नहीं हो। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी विभाग हो उसमें काम करने के लिए एक पॉलिसी तो बनानी पड़ती है और निश्चित रूप से एक क्राइटेरिया रखना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा विभाग है, मैं समझता हूँ सबकी अपेक्षाएं भी रहती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, सबको सुनेंगे और सुनने के उपरांत जो नियमानुसार और जो उचित होगा लोगों के हक में होगा वो फैसले करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 5 साल में ढांचा इसका चरमरा दिया, सब आंदोलन, शिक्षक सारे हड़ताल पे थे, सारे संगठन हड़ताल पे थे, जिस प्रकार इनके जो साथ में अन्याय किया गया और राजनीतिक द्वेषता के साथ में जिस प्रकार स्थानांतरण किए गए, किकआउट किया गया, लोग कोर्टों में चले गए, तो ये जो स्थितियां पैदा की हैं उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और जो भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में संज्ञान में ला करके उनके निर्देश के अनुसार हम विभाग में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं कहना चाहूंगा आप सबका, मीडिया बंधुओं का सहयोग अपेक्षित है। पहली चुनौती लोकसभा, 100 दिन का समय बचा है। निश्चित रूप से लोकसभा हमारे लिए चुनौती है, इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और टीम भावना के साथ में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब मिलकर के, हम मंत्रिमंडल के सभी साथी मिलकर के और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे और राजस्थान में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ में यहाँ से लोकसभा से सांसद भेज करके यूपीए की गवर्नमेंट राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक का कोई मैसेज आया, कब तक होने की संभावना? अभी नहीं है, जब भी आएगा निश्चित रूप से। तो अभी आप लक्ष्मणगढ़ जा रहे हैं अपने कार्यकर्ता? मेरे क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देने के लिए जा रहा हूँ। गोविंद डोटासरा है नए शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के और यहाँ देख रहे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ अभी मौजूद हैं।